नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। खबर गोंडा से है, जहां देवी पाटन मंडल के अंतर्गत गोंडा में शहर आवास आसरा आवंटन कार्यक्रम जिलाधिकारी कार्यालय अंबेडकर चौराहा के निकट बनकटा चार गंज क्लब में रखा गया था। कुछ लोगों का आरोप है आवंटन में अनियमितता बरती गई है। आवास आसरा ना तो नियमानुसार बांटा गया और ना ही इसकी जाँच कराई गई। ना तो शहरी और शहर के निकट कुछ लोगों को दिया गया, ना ही अनुसूचित जाति के लोगों को कोटे के अनुसार आवंटन हुआ और ना ही सभी लोगों को सूचित किया गया। कुछ पीड़ित लोगों का आरोप है कि लिस्ट में परिवर्तन किया गया है और इसी कारण बार बार लिस्ट निकाली गई। में आवास वितरण हुआ है, वहाँ आए थे आप? जी। क्या नाम है आपका? सिकंदर बाल्मीकि। पिताजी का क्या नाम है? धन्य बाल्मीकि। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले यहाँ पन्ना पूर्वी गंज। अच्छा, आवास नियमानुसार वितरण हुआ, क्या फार्म आपने डाला था? जी, फार्म डाला था, दो चक्कर जांच भी आया था और जांच में सब कुछ था। आवास आप का लिस्ट में नाम नहीं आया? जी नहीं, नहीं लिस्ट। किस कारण से? अब पता नहीं, बता नहीं पाएंगे सर। कब फार्म आपने डाला था? फार्म हुआ करीब मैं 2 महीना। वितरण ये मुख्य अतिथि कौन था? जिलाधिकारी गोंडा? गोंडा को बता नहीं पाएंगे सर। एडीएम साहब आए थे ना वितरण करने के लिए? एडीएम नहीं आए थे। कौन आया था? कोई अधिकारी आया था, कोई बाबू आया था। अच्छा अच्छा, वितरण हो गया? जी। आप लोग को नहीं मिला? जी नहीं मिला। फार्म आपने कब डाला था? फार्म हो गया 2 महीना सर। पेपर पूरे थे? जी, पेपर पूरे थे। तो आप क्या चाहते हो? अब आपको कॉलोनी चाहिए हो क्या? नहीं, कॉलोनी आप मतलब सही जांच हो, उसकी कॉलोनी आपको वितरण हो जाए। जी, दूसरी जांच होना चाहिए। मतलब आपको नहीं लगा कि न्यायपूर्वक आपको कॉलोनी नहीं मिली? जी। जांच आपके यहाँ हुई थी? जांच इस बार कराया गया? जांच आज थी, जांच हम कराए थे हम स्वयं से। फिर पेपर हम दोबारा फिर पेपर दिए, लेकिन हुआ नहीं। अभी तक नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते इसके बारे में? इसके बारे में कहना चाहते कि जांच तो फिर से कराया जाए, पूरा जांच करा के नियमानुसार सही वितरण किया जाए। जी ठीक। सुनील कुमार निषाद, जितेंद्र वाल्मीकि आदि ने आरोप लगाया है कि लिस्ट परिवर्तन नाम चेंज किए गए पात्र व्यक्ति को आवास नहीं मिले और कुछ व्यक्ति को कई जगह पर आवास का लाभ मिला है, जो कि एक ही नाम पर और एक ही परिवार के हैं। जिनको आवास आवंटित हुआ है उनमें से दूर देहात के लोग हैं, जैसे कर्नलगंज, बलरामपुर तथा बालपुर। आपको बता दें कि शहर आवास आसरा भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वितरण करने का कार्य जिलाधिकारी महोदय को पात्र व्यक्तियों को, जैसे जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए आवास न हो, विधवा, विकलांग या अनुसूचित जाति के आरक्षण के अनुसार जांच करके वितरण किया जाता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरेश प्रजापति की रिपोर्ट।